अब खबर जयपुर से है, जहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ईआरसीपी पर पूर्वी राजस्थान के पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हो रही है। बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस बैठक में मौजूद हैं। ईआरसीपी को लेकर पूर्वी राजस्थान के पदाधिकारियों संग बैठक हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, ईआरसीपी को लेकर लगातार कांग्रेस भाजपा पर हावी है, केंद्र को लेकर अब बैठक हो रही है भाजपा प्रदेश कार्यालय में, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, इसका बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ईआरसीपी को लेकर वहां के लोगों ने दबाव बना रखा है जी, और वहां के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि माफ कीजिएगा कि इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय नहर परियोजना का जो है तमगा मिलना चाहिए जी। और इसको लेकर राजस्थान सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाई जा रही थी और आरोप लगा रही थी केंद्र सरकार पर भी जी, केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है। और जो राजस्थान के कोटे से मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन पर भी लगातार निशाना साध रही थी। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूरे ईआरसीपी को लेकर पूर्वी राजस्थान के लोगों में लगातार गुस्सा बढ़ रहा था। हालात ये है कि वहाँ के लोग अपने लोक गीतों में यानी कि शादी ब्याह में भी ईआरसीपी का मुद्दा जो है उनके शादी के कार्ड में छप रहा है जी, उनके लोक गीतों में छा रहा है, उनके हर कार्यक्रम में ईआरसीपी की चर्चा हो रही है। और पूर्वी राजस्थान के जिलों में लोगों ने इसको एक बड़ा इशू बना दिया, बड़ा मुद्दा बना दिया, मतलब ये जन मुद्दा बन चुका है उस इलाके का जी। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो पहल की है, ये पहल कहीं ना कहीं इसके सकारात्मक इसका लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें खुद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया मौजूद है, ताकि इस विषय में, क्योंकि देखिए अब थोटी बातों से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर इस बात को टाल रही है जी। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस मुद्दे को उन्होंने हल्के में लिया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पार्टी को, क्योंकि देखिए आने वाले साल में जी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जाने वाली है जी। तमाम पार्टियों की ख्वाहिश रहेगी सत्ता हासिल करने के लिए जी। तो पूर्वी राजस्थान में जिस तरह को ईआरसीपी को लेकर एक बड़ा इशू बनाया गया है, तो क्योंकि सभी पार्टियां इस बात से डरी हुई है, क्योंकि इस विषय में यदि किसी ने भी थोड़ी सी भी चूक कर दी तो उस पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह पहल की है और पहल बहुत ही सकारात्मक मान सकता हूं, और स्थानीय लोगों के दबाव का असर ही है कि सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और वहां के स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की जा रही है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकले, क्योंकि अभी तक गेंद जो है एक दूसरे के पाले में डालकर इसको टालने का कोशिश की जा रही थी जी। लेकिन अब टालने से काम नहीं चलेगा, सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और गजेंद्र सिंह शेखावत जो बार बार बयान दे रहे थे उनको भी इस मामले में एक कदम आगे बढ़ते हुए कदम उठाना पड़ेगा। और हो सकता है इस बैठक के बाद में ये निर्णय हो कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनका प्रतिनिधिमंडल खुद जाकर प्रधानमंत्री से मिले और इस विषय को समाधान करने की बात करें, इसको राष्ट्रीय नहर परियोजना घोषित करने के लिए उस विषय में बात करें, तो ये इसमें निर्णय हो सकता है आज जो यहाँ बैठक में सुझाव आएंगे, क्योंकि देखिए वहाँ स्थानीय लोगों के विरोध के चलते जो बीजेपी के नेता है या कांग्रेस के नेता है उनका विरोध धीरे धीरे होने लगा है और लोग सीधे सीधे उनसे वादा चाहते हैं कि भैया ये ईआरसीपी आप लागू कराएंगे नहीं कराएंगे, इस पर काम शुरू करेंगे नहीं करेंगे। तो जब ये हालात हो जाती है तब पार्टियों को इस तरह की बैठकें करना जरूरी है और विपक्षी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ने ये पहल की है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र में सरकार आपकी है, राजस्थान से जो जल संसाधन मंत्री हैं उनको पहल करनी चाहिए, जो डीपीआर हमने भेज रखी है क्यों नहीं इस पे काम कराते, क्यों नहीं इसको राष्ट्रीय नहर परियोजना का दर्जा दिलाते, जिससे जो इन जिलों में ईआरसीपी के 13 जिलों में लोगों को लाभ मिलेगा और पूरे राजस्थान में सिंचाई और पेयजल दोनों की समस्याओं का समाधान होगा। तो ये बहुत ही अहम महत्वपूर्ण बैठक है, देखना है कि इस बैठक के बाद में क्या निर्णय होता है, क्या बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल देश के प्रधानमंत्री से इस विषय में मिलता है या फिर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो यहाँ बैठे हैं मौजूद बैठक में वही कोई ठोस आश्वासन इस बैठक में जो पूर्व राजस्थान के जो लोग आए हुए हैं उनको क्या भरोसा आश्वासन देते हैं, देखना ये बड़ी बात है। नीरज जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर बीते दिन की बात करें तो वो भी इस मामले को लेकर भाजपा पर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हावी रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, जो बात है डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के, वहाँ पूर्वी राजस्थान के जो भी नेता है जी, उनको दिख रहा है वहाँ के लोगों का, लोगों के विरोध का असर जी, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर किरोड़लाल मीणा पूर्वी राजस्थान के रहने वाले हैं, पूर्वी राजस्थान के एक छत्तर उनका एक तरह से राज चलता है, उनको पता है कि वहाँ के लोगों में किस तरह की भावनाएं हैं, और किरोड़लाल मीणा ने उनकी भावनाओं को समझते हुए देखते हुए ही शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह किया होगा कि इस विषय को हल्के में लेना उनके लिए भारी पड़ सकता है जी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बैठक बुलाई है जिसमें खुद किरोड़लाल मीणा मौजूद है और पूर्वी राजस्थान के जो बीजेपी के और नेता है वो लोग भी मौजूद है, इसमें वे प्रतिनिधि भी मौजूद है जो चुनाव हार चुके हैं, चुनाव जीते हुए भी है, और तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं ताकि पूर्वी राजस्थान के लिए इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अमली जमा पहनाया जा सके। और किरोड़लाल मीणा क्योंकि उस इलाके से आते हैं, कुछ दिनों बाद में 10 तारीख को उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम रखा है जी। उसमें खुद जल संसाधन मंत्री जाएंगे, आखिरकार जल संसाधन मंत्री शेखावत वहां जाएंगे तो वो क्या आश्वासन दे के आएंगे, क्योंकि अब जो वहां पर जनता के बीच में डॉक्टर किरोड़लाल मीणा, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत जाके जी, कोई जब तक कोई ठोस आश्वासन वहाँ के लोगों को नहीं देंगे ईआरसीपी योजना को लेकर, तो बात बनने वाली नहीं है। आखिरकार चुनाव में जाना है, इसलिए डॉक्टर किरोड़लाल मीणा भी इस बात पर ठोक बजाकर चाहते हैं कि जो भी आश्वासन मिले पुख्ता मिले ताकि सरकार को जवाब दिया जा सके, और उस बयान के आधार पर जब सरकार आश्वासन देगी, भरोसा देगी, उसके आधार पर ही पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी पेट जमा सकेगी, क्योंकि नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो राजस्थान सरकार है वो लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता है, 25 सांसद राजस्थान से हैं, इसके बावजूद जो है ईआरसीपी को लागू नहीं करवाया जा रहा है, इसको राष्ट्रीय नहर परियोजना नहीं बनाया जा रहा है, तो इसका नुकसान यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ेगा, और ये बात लोगों के दिमाग में घर कर गई है। इसीलिए डॉक्टर किरोड़लाल मीणा इस मामले में पहल कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम रखा है और उस कार्यक्रम को देखते हुए ही आज यहाँ पे एक रणनीति बनेगी। क्या रणनीति बनती है, क्या पीएम को ज्ञापन देंगे, क्या उनसे मुलाकात करेंगे, तमाम बातों पर इस पर चर्चा होगी, और किरोड़लाल मीणा ने ही जो है ये पहल करके इस पूरी मीटिंग का आयोजन रखवाया है, और बीजेपी इसमें कोई ठोस निर्णय लेने वाली है ऐसा मुझे लगता है। बहुत 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 शुक्रिया नीरज जी आपका। तो ये देवन संवाददाता नीरज मेहरा जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि भाजपा की बैठक चल रही है और इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया